वैसे में राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के पूर्व आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा के मामले में कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि गणेश शंकर मिश्रा के खिलाफ रेडियस वाटर मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत पाई गई थी और इस वजह से राज्य सरकार ने उन्हें हटाने का फैसला लिया, लेकिन अब भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्री से आरोपी को बचाने को लेकर मिले हैं जो काफी शर्मनाक है। प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने रेडियस वाटर घोटाले के मामले के आरोपी जीएस मिश्रा को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का निर्वाचन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहना सही निर्णय, उचित निर्णय नहीं था।